देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी, मैं हूं आपके साथ में गजेंद्र गुर्जर। आज हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। सिंगरौली जिले के मोरवा थाना क्षेत्र में अवैध कारोबारी के विरुद्ध जारी कार्यवाही। मोरवा पुलिस ने बीते रात अवैध शराब के तस्करी में लिप्त कारोबार को 63 लीटर अवैध शराब पकड़ा है। वहीं धारेदार हथियार के साथ एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। एसपी अभिजीत रंजन के निर्देश पर एसडीओपी कृपा शंकर द्विवेदी के मार्गदर्शन एवं टीआई नागेंद्र प्रताप सिंह ने नेतृत्व में आरकेटीसी रोड पहुंची पुलिस टीम। तस्कर राजकुमार साहू पिता राम प्यारे साहू 43 निवासी मेढौली को गिरफ्तार में लेकर मौके से 4 पेटी कुल 63 लीटर कीमत करीब 22,000 रुपए आंकी गई है। वहीं एक अन्य कार्यवाही में आज सुबह मुखबिर की सूचना पर एसआई शीतल यादव ने एलआईजी कॉलोनी के पास अशोक जायसवाल को धारदार हथियार वका के साथ गिरफ्तार करते हुए 25 बी आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की। सिंगरौली से भारत थाना मोरवा पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना जो दी गई थी कि राम कुमार साहू निवासी मढ़ौली का अवैध रूप से शराब की बिक्री करता है और अभी भी बिक्री करने के लिए मढ़ौली में रखा हुआ है, वो सूचना पर थाना से स्टाफ जो गया हुआ था, जहां राम कुमार साहू के कब्जे से कुल 63 लीटर 350 पाव मदिरा जब्त कर 34-2 आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इसी तरह से विजय कुमार बैस निवासी चतरी, इसके भी कब्जे से कुल 48 पाव देसी प्लेन मदिरा। देखते रहिए भारत न्यूज टीवी, गजेंद्र गुर्जर के साथ नमस्कार।